नमस्कार, मैं नरेश रागानी, स्वागत करता हूँ आपका हॉराइजन नेट न्यूज पर। आइए देखते हैं अजमेर शहर की बड़ी खबर। नवनिर्वाचित सांसद रघु शर्मा छोड़कर चले गए उद्घाटन कार्यक्रम। कार्यक्रम की उद्घाटन प्रणाली हेतु दर्ज की मीडिया के सम्मुख नाराजगी। लगाया स्थानीय नेताओं पर डर्टी पॉलिटिक्स करने का आरोप। कहा लोकसभा में स्पीकर को लिखकर देंगे विशेष अधिकार हनन की शिकायत। आज सुबह से अजमेर के पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। जब सेवा केंद्र के प्रभारी अधिकारियों के सामने डॉक्टर रघु शर्मा और उनके समर्थक उद्घाटन करने पहुंचे, परंतु वहां पर मंत्री वासुदेव देवनानी और अनीता भदेल और मेयर धर्मेंद्र गहलोत पहले से ही मौजूद दिखे। गौरतलब है कि सेवा केंद्र का उद्घाटन पहले 27 तारीख को तय किया गया था, जिसमें प्रोटोकॉल के अनुसार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत यदि संबंधित विभाग की केंद्रीय मंत्री की अनुपस्थिति हो तो उस जिले के सांसद को प्रथम आमंत्रण देकर समय लेना और सांसद के हाथों ही उद्घाटन करवाने इंगित है। सूत्रों की माने तो विभाग ने इस गाइडलाइन का बखूबी पालन करते हुए डॉक्टर रघु शर्मा से कुछ दिनों पहले समय तय किया और तब तक उद्घाटन नवनिर्वाचित सांसद रघु शर्मा द्वारा ही किया जाना था, परंतु आज डॉक्टर रघु शर्मा ने खुलकर कहा है कि उन्हें अंधेरे में रखकर इसकी तारीख बदल दी गई। ये कहकर कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने आ रहे हैं, रघु शर्मा का ये आरोप है कि यह सब एक सुनियोजित योजना के तहत किया गया है ताकि उन्हें इस उद्घाटन से दूर रखा जा सके। शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि यह सांसद के नहीं जनता के विशेष अधिकार का हनन है और शर्मा लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। सर बताएं, हमसे तारीख ली थी इन्होंने 27 तारीख राइटिंग में, और राइटिंग में मैंने कंसल्ट दी थी। उस प्रोग्राम को बिना मेरे पूछे इन्होंने कैंसिल कर दिया। भारत सरकार की क्लियर गाइडलाइन है, ये कोई अजमेर में ही सुविधा शुरू नहीं हो रही है, ये देश में 191 जगह पर शुरू हो रही है, उसमें राजस्थान में भी पाली, नागौर, अलवर, चित्तौड़ और अजमेर, ये सब जगह पर शुरू हो रही है। तो फिर ये कहा गया कि जनरल वीके सिंह 4 तारीख को उद्घाटन करेंगे, कोई बात नहीं, भारत सरकार के मंत्री उद्घाटन कर ही सकते हैं, उनका डिपार्टमेंट है। लेकिन मुझे शंका थी कि ये सब फैब्रिकेटेड कार्यक्रम है, वीके सिंह ने शायद कोई प्रोग्राम दिया ही नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने नाम डालने के लिए जिन लोगों को शौक है उद्घाटन करने का, अरे भाई क्रेडिट का जहाँ तक सवाल है, ये तो भारत सरकार ने किए ना फैसले, कांग्रेस ने तो किए नहीं है, क्रेडिट तो हम ही दे रहे हैं उनको। भाई सुविधाओं का विस्तार अगर कोई कर रहा है तो भारत सरकार है, भारत सरकार मोदी जी की है, वही कर रहे हैं। लेकिन अभी इसमें यहाँ पर लोकल लेवल पर डर्टी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और डर्टी पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं वो कि मैं यहाँ अभी हाल ही में चुनाव जीता हूँ, 18.5 लाख लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देके और MP बनाया है, तो मैं 8वां विधानसभा क्षेत्र में कैसे जीत गया ये इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और डाइजेस्ट नहीं होना चाहता तो ये मेरे इंसल्ट करना चाहता है, वो इंसल्ट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कानून के मुताबिक चलेंगे, भारत सरकार की गाइडलाइन है कि जब भी उद्घाटन करो, इन अधिकारियों को निर्देश है कि आप MP से तारीख लो, मुझसे इन्होंने तारीख नहीं ली है। अब अगर ये उद्घाटन करते हैं ये जाने और इनका काम जाने, मैं लोकसभा के अंदर स्पीकर को लिख के दूंगा मेरा विशेषाधिकार कहना हुआ है। मंत्री देवनानी के उतावलेपन की हद तो देखिए कि जब किसी ने फीता काटने के लिए कैंची अनीता भदेल के हाथ में रख दी तो देवनानी ने हंसकर बोला, यार कैंची हाथ में मत दो, रिबिन की गांठ ही मैं खोल देता हूँ। कहते हुए जहां से फीता बंधा हुआ था वहां से ही गांठ खोलकर देवनानी ने उद्घाटन कर दिया और कैंची अनीता बदेल के हाथों में धरी की धरी रह गई। वासुदेव देवनानी और अनीता बदेल अपने अंतर्मन की गांठें खोलने में बल ही असफल रहे हो, परंतु दोनों इस उद्घाटन समारोह को मिलकर हाईजेक करने में जरूर कामयाब हो गए, जिसका परिणाम यदि डॉक्टर रघु शर्मा यह बात सदन में उठाते हैं तो विभाग के अधिकारियों को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम करवाने की जिम्मेदारी आखिर में आकर अधिकारियों के सर पर टिका दी जाएगी। जिसमें अजमेर जिले में निश्चित रूप से आज शुरुआत हुई है, इसके लगातार 1.5 वर्ष से
हम लोग प्रयत्नशील थे, मैं भी प्रयत्नशील था, मंत्री से भी दो तीन बार मिला, मैंने चार चिट्ठियाँ भी उनको लिखी और दिल्ली जाकर के उनसे मिला। मुझे खुशी हुई कि वो आज उन्होंने यहाँ पे ओपनिंग के लिए हरी झंडी दी और स्वयं उपस्थित होने वाले थे। अंत समय में उनकी कोई मीटिंग अर्जेंट आ गई, कार्यक्रम भी उनका आ गया था, लेकिन अंत समय पे सुबह उनका कार्यक्रम स्थगित हुआ तो उन्होंने यहाँ के कार्यालय को निर्देश दिए कि वह वहाँ पे स्थानीय मंत्रियों से इसका उद्घाटन कराएं। आज हमने इसका उद्घाटन किया, इससे अजमेर के लाखों लोगों को अजमेर से लेके इसका लाभ मिलेगा और यही पासपोर्ट के सारी फॉर्मेलिटी जी होंगे किसी को भी जयपुर चक्कर काटने की। भाई साहब रघु शर्मा जी ने कहा कि उनसे समय नहीं लिया गया, एमपी से करवाना था उद्घाटन। ऐसा है कि उन्होंने सारी स्थिति बता दी, जब पहले इनसे मांगा तब मंत्री जी ने सोचा कि मैं आऊँगा, जब केंद्रीय मंत्री डेट दे देता है उसके बाद किसी भी सांसद या विधायक का कोई उसमें रोल नहीं रहता, जब केंद्रीय मंत्री स्वयं इसके विदेश राज्य मंत्री आ रहे हैं उन्होंने डेट दे दी, उसमें हम सबकी डेट अपने आप में समाहित हो जाती है। हमसे तारीख ली थी इन्होंने 27 तारीख राइटिंग में, और राइटिंग में मैंने कंसेंट दी थी, उस प्रोग्राम को बिना मेरे पूछे इन्होंने कैंसिल कर दिया। भारत सरकार की क्लियर गाइडलाइन है, ये कोई अजमेर में ही सुविधा शुरू नहीं हो रही है, ये देश में 191 जगह पर शुरू हो रही है, उसमें राजस्थान में भी पाली, नागौर, अलवर, चित्तौड़ और अजमेर, ये सब जगह पे शुरू हो रही है। तो फिर ये कहा गया कि जनरल वीके सिंह 4 तारीख को उद्घाटन करेंगे, तो कोई बात नहीं, भारत सरकार के मंत्री हैं, उद्घाटन कर ही सकते हैं, उनका डिपार्टमेंट है। लेकिन मुझे शंका थी कि ये सब फैब्रिकेटेड कार्यक्रम है, वीके सिंह ने शायद कोई प्रोग्राम दिया ही नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने नाम डालने के लिए जिन लोगों को शौक है उद्घाटन करने का, अरे भाई क्रेडिट का जहाँ तक सवाल है, ये तो भारत सरकार ने किए ना फैसले, कांग्रेस ने तो किए नहीं है, क्रेडिट तो हम ही दे रहे हैं उनको। भाई सुविधाओं का विस्तार अगर कोई कर रहा है तो भारत सरकार है, भारत सरकार मोदी जी की है, वही कर रहे हैं। लेकिन अभी इसमें यहाँ पर लोकल लेवल पर डर्टी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है, और डर्टी पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं वो कि मैं यहाँ अभी हाल ही में चुनाव जीता हूँ, 18.5 लाख लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देके और MP बनाया है, तो मैं 8वां विधानसभा क्षेत्र में कैसे जीत गया ये इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और डाइजेस्ट नहीं होना चाहता तो ये मेरे इंसल्ट करना चाहता है, वो इंसल्ट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कानून के मुताबिक चलेंगे। भारत सरकार की गाइडलाइन है कि जब भी उद्घाटन करो, इन अधिकारियों को निर्देश है कि आप MP से तारीख लो, मुझसे इन्होंने तारीख नहीं ली है। अब अगर ये उद्घाटन करते हैं ये जाने और इनका काम जाने, मैं लोकसभा के अंदर स्पीकर को लिख के दूंगा मेरा विशेषाधिकार हनन हुआ है। अजमेर के पासपोर्ट सेवा केंद्र ऑफिस का हुआ शुभारंभ, अब शहरवासियों को पासपोर्ट बनवाने में होगी सरलता। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की अनुपस्थिति में देवनानी में भदेल ने किया उद्घाटन। रविवार को अजमेर के पासपोर्ट सेवा केंद्र ऑफिस का शुभारंभ हुआ। अजमेर के लोगों को पासपोर्ट बनवाने हेतु जयपुर पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, वह वहां जाके भी घंटों तक इंतजार करना पड़ता था, पर अब इस समस्या के समाधान में अजमेर में भी पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल चुका है। अजमेर वासियों को भी पासपोर्ट बनवाने में आसानी रहेगी। पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह द्वारा किया जाना था, किसी कारणवश वह नहीं आ पाए। उनकी अनुपस्थिति में मंत्री वासुदेव देवनानी व अनिता भदेल ने पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ कर रिबिन की गिटान खोली। चूंकि ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ से कई लोग विदेशों में भी जाते हैं, NRIs भी हैं, जैरीन भी हैं, पुष्कर भी लोग तीर्थयात्री आते हैं, इसलिए पासपोर्ट के बारे में यहाँ के व्यक्ति को जयपुर और दिल्ली चक्कर काटने पड़ते थे। उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने यहाँ पे पासपोर्ट कार्यालय राजस्थान में 12 ज़िलों में शुरू किए हैं, जिसमें अजमेर ज़िले में निश्चित रूप से आज शुरुआत हुई है। इसके लगातार 1.5 वर्ष से हम लोग प्रयत्नशील थे, मैं भी प्रयत्नशील था, मंत्री से भी दो तीन बार मिला, मैंने चार चिट्ठियाँ भी उनको लिखी और दिल्ली जाकर के उनसे मिला। मुझे खुशी हुई कि वो आज उन्होंने यहाँ पे ओपनिंग के लिए हरी झंडी दी और स्वयं वो उपस्थित होने वाले थे। अंत समय में उनकी कोई मीटिंग अर्जेंट आ गई, कार्यक्रम भी उनका आ गया था, लेकिन अंत समय पे सुबह उनका कार्यक्रम स्थगित हुआ तो उन्होंने यहाँ के कार्यालय को निर्देश दिए कि वह वहाँ पे स्थानीय मंत्रियों से इसका उद्घाटन कराएं। आज हमने इसका उद्घाटन किया, इससे अजमेर के लाखों लोगों को अजमेर से लेके इसका लाभ मिलेगा। सूचना केंद्र पर आयोजित हुआ सेवा भारती का वार्षिक उत्सव, कच्ची बस्ती के बच्चे हुए शामिल, बच्चों के बीच रखी गई प्रतियोगिता। सूचना केंद्र पर रविवार को सेवा भारती का वार्षिक उत्सव आयोजित हुआ, जिसमें कच्ची बस्ती के बच्चों को बुलाया गया, बच्चे के बस्तों के बीच कई प्रतियोगिता हुई।
वह बच्चों को अल्प आहार खिलाकर आगे के कार्यक्रम की शुरुआत की। सर किस तरह का आयोजन है? सेवा भारती द्वारा प्रतिवर्ष ये जो हमारे बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, मतलब एकल विद्यालय हैं, उनमें बच्चों को हम अच्छे संस्कार और शिक्षा देते हैं। उन बच्चों द्वारा एक बार कच्ची बस्तियों के हैं सारे, उन बस्तियों द्वारा एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। उसमें भाग लेने वाले सारे वहीं के बच्चे होते हैं और उन्हीं के द्वारा सारी तैयारी की जाती है। साल में एक बार प्रत्येक वर्ष हम ये तैयारी करते हैं और आज जो है सेवा भारती द्वारा उन्हीं प्रकल्प के बच्चों की मेहंदी प्रतियोगिता भी रखी गई है, वो अभी चल रही है। इसके पश्चात में बच्चों को अल्पाहार दे करके और 2 बजे से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू होगा। मोहन सिंह यादव, सेवा भारती महानगर अध्यक्ष। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता रौनित रॉय ने की दरगाह जियारत। ख्वाजा साहब की दरगाह में अकीदत के फूल पेश कर मांगी अमन चैन की दुआ। रॉय को देखने के लिए उमड़ी भीड़। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता रौनित रॉय अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में हाजिरी दी। रौनित रॉय ने रात में ईशा की नमाज के वक्त दरगाह पहुंचे। 15 साल से ख्वाजा साहब की दरगाह जियारत की तमन्ना लिए रॉय ने दरबार में अकीदत की चादर और फूल पेश किए। दरगाह में हाजिरी के दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए जायरीन की भीड़ जमा हो गई। दरगाह परिसर में साकी गद्दी पर रौनित रॉय ने कुछ देर ख्वाजा साहब से लगन लगाई और घर परिवार की खुशहाली की तरक्की मांगी। तीन फिल्में कर रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर है, अर्जुन पटियाला, थग्स ऑफ हिंदुस्तान है, नवरात्रि है, ये सब इस साल के अंत तक आएंगे। देखिए अभिनेता के लिए काम बहुत बड़ी बात होती है, चाहे छोटे पर्दे पे हो या बड़े पर्दे पे। छोटे पर्दे का अपना एक अलग मज़ा है, बड़े पर्दे का अपना एक अलग मज़ा है। तो दोनों बातें जो हैं इनको इनकी तुलना नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के जीत का जश्न मनाया भाजपा ने। गांधी बल चौराहे पर की आतिशबाजी, भाजपा जनों में दिखी खुशी की लहर। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में भाजपा ने बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिस पर अजमेर में भाजपा जनों ने गांधी भवन चौराहे पर जीत का जश्न मनाया। आतिशबाजी कर धूमधाम से अपनी पार्टी की जीत का जश्न मनाया। भाजपा नेताओं ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिया। आज पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनाव परिणाम सामने आए हैं और हम ये कह सकते हैं कि आजादी के 70 वर्षों के बाद जो क्षेत्र हमारा पूर्वोत्तर का था, जो इस देश की मुख्य धारा से कटा हुआ था, जो गरीबी और विकास की मुख्य धारा से वंचित था, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर और राष्ट्रवाद के विचार पर वहाँ की जनता ने बहुमत के द्वारा आस्था व्यक्त करी है और आज़ादी के बाद पहली बार इन 3 राज्यों के अंदर वामपंथी किलों को ध्वस्त करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और कमल का फूल बना है। मैं इसके लिए पूर्वोत्तर राज्यों की समस्त जनता का और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां जिस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में जमीन पर डटकर खड़ा था, उसकी हत्याएं की जा रही थी, नरसंहार किए जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिणाम से विचलित नहीं हुआ, उनकी हिंसा से विचलित नहीं हुआ और उस कार्यकर्ता ने ऐसा परिणाम दिया है कि पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी, जिसको उत्तर भारत की पार्टी कहा जाता था, आज पूर्वोत्तर में भी कमल खिला है। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए सच के साथ।